दोस्तों, मैं डॉक्टर अजय गुप्ता, आयुर्वेद विशेषज्ञ, और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। सबसे पहले आप सब ये ऐड देखिए। जब से यह ऐड न्यूज़पेपर में फ्लैश हो रहा है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी छाया हुआ है, तब से हर दिन कोई ना कोई ऐसा पेशेंट जरूर आता है, कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति जरूर आते हैं जो जानना चाहते हैं कि दूध का इस्तेमाल कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और यह दूध किन्हें लेना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण यही कि किससे लेना चाहिए। तो यह दूध जो है कैमल मिल्क है, यानी कि उटनी का दूध, और यह आज की बात नहीं है, यह सदियों से प्रयोग होता रहा है और आयुर्वेद में हजारों साल से इसका वर्णन मिलता है। लेकिन किन्हें लेना चाहिए, इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया आयुर्वेद के ग्रंथों में। ये सभी नहीं ले सकते क्योंकि सबके लिए यह दूध फायदेमंद नहीं होता है। आइए इस वीडियो का पूरा देखिए। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि यह दूध किन्हें लेना चाहिए और किन्हीं के लिए फायदेमंद है। अगर आप इस वीडियो को बगैर देखे, अनजाने में, बगैर किसी चिकित्सकीय सलाह के इस्तेमाल करते हैं, तो निश्चित रूप से यह दूध आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा बल्कि आपको नुकसान पहुंचा सकता है। आयुर्वेद में मुख्य रूप से 8 दुग्ध के बारे में बताया गया है, जिसमें से कि एक उटनी का दुग्ध भी शामिल है। इसके गुण क्या बताए गए हैं, तो इसके बारे में कहा गया है, रुक्ष उष्णम क्षीरम उष्टिणाम ईसत सलवणम लघु शस्तम वात कफाना क्रीमी शोफोदर अर्शसाम। यानी कि उठने का दुग्ध रुक्ष होता है, उष्ण वीर्य होता है, किंचित नमकीन और लघु होता है। यह वात तथा कफ से होने वाले रोग, अनाह, क्रीमी, उदर रोग और अर्श रोग में लाभप्रद होता है। तो जैसा कि हमने बताया कि जो उटनी का दुग्ध है, यह रुक्ष होता है और उष्ण होता है। तो ऐसे व्यक्ति जो पतले हैं, यानी कि वजन जिनका कम है और जिनकी स्किन ड्राई है, ऐसे लोग इसका प्रयोग नहीं कर सकते। और साथ में इसका जो नेचर है, इसकी प्रकृति है उष्ण है, यानी कि ऐसे मनुष्य जिनकी पित्त प्रकृति है, यानी कि जिनको पसीना ज़्यादा होता है, गर्मी ज़्यादा लगती है, जिनको गुस्सा बहुत आता है, ऐसे व्यक्ति भी इसके प्रयोग से बचे। ऐसे लोग जिनको वात और कफ से होने वाले रोगों से परेशान ज़्यादा होना पड़ता है, यानी कि जिनको सर्दी जुकाम, अग्निमंद और अरुचि जैसे रोग ज़्यादा होते हैं, जिनकी अग्निमंद होती है, यानी कि जिनको पाचन संबंधी समस्या होती है, जो ठीक से पचा नहीं पाते भोजन को, ऐसे लोग इसका सेवन कर सकते हैं। जिनको कृमि रोग है, यानी कि जिनके पेट में कीड़े यानी कि वर्म्स ज़्यादा रहते हैं, उनको इसका दूध फायदेमंद होता है। और जिनको पाइल्स की शिकायत होती है, अर्श की शिकायत होती है, और जिनको जो जिनका अर्श जो है बहुत पुराना होता है, काफ़ी समय से होता है, तो ऐसे लोग इसका सेवन कर सकते हैं और उनके लिए फायदेमंद होता है। तो ऐसे में अगर आपको पाचन से संबंधित समस्या है, अगर आपके पेट में कीड़े ज़्यादा रहते हों और साथ में अगर पाइल्स की समस्या हो, तो आप इस दूध का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसका सेवन नहीं कर सकते और फिर भी आप करना चाहें तो किसी वैद्य की सलाह जरूर लें इसका सेवन करने से पहले, और अगर आप वैद्य की सलाह से इसका प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए फायदेमंद होगा।